हरपालपुर थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में जीपी पब्लिक स्कूल का मामला है। स्कूल प्रबंधक की लापरवाही से यहां हादसा हुआ है। इमलिया गांव में जेपी पब्लिक स्कूल के छात्रों को लाने के लिए लगी वैन क्रमांक UP95YA7001 है, जिसमें गैस भरते समय रिसाव हुआ है और भीषण आग लग गई है। वैन में जहां आग लगी है, चंद कदम की दूर पर ही स्कूल है। आग लगने की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची है। 150 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं और आग को काबू में लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन इस तरीके पर ध्यान नहीं देता, तभी तो इस मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ स्कूल वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया। इसके पहले भी एक आवासीय विद्यालय में 9 वर्षीय मासूम छात्र की पानी की टंकी में डूबने से मौत का मामला सामने आया था। वहीं इसके बाद अब यह मामला सामने आया है। वानगी यही देखने को मिलती है कि स्कूल प्रशासन के साथ जिला प्रशासन सहभागिता निभाता है और कोई कार्रवाई नहीं करता। कठोर कार्रवाई इन प्राइवेट स्कूलों पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई हादसे एक के बाद एक सामने आते रहते हैं।